उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से सख्त की बड़ी खबर, सहकारी समिति पर उपजिलाधिकारी का छापा, सचिव अभिलेख बारदाना लेकर फरार। यूपी के बदायूं में रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतों के बाद भी अफसर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जी हां, ताजा मामला बिसौली तहसील के ब्लॉक आसफपुर के ग्राम दुंदपुर का है, जहां साधन सहकारी समिति गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी और सचिव की लगातार मनमानी कर किसानों से तौल करने के लिए अवैध वसूली की शिकायत पर महिपाल सिंह उपजिलाधिकारी बिसौली ने अचानक छापा मारा, लेकिन भनक लगते ही सचिव अभिलेख व बारदाना लेकर फरार हो गए। क्रय केंद्र पर अव्यवस्थाओं और क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा अवैध वसूली की सूचना पाकर एसडीएम ने केंद्र पर छापामारी की। अचानक हुई छापेमारी से क्रय केंद्र पर हड़कंप मच गया और सचिव बारदाना रजिस्टर समेत तमाम अभिलेख लेकर फरार हो गया। मौके पर मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्याम सिंह से एसडीएम ने तौल संबंधी अवैध वसूली के बारे में पूछा तो वो बंगले झांकने लगे कि पिछले कई दिनों से विकास खंड आसफपुर के ग्राम दुंदपुर स्थित साधन सहकारी समिति के गेहूं क्रय केंद्र पर किसानों के साथ अवैध वसूली और तौल न करने की शिकायतें मिल रही थी। यहां तैनात सचिव अनेक पाल सिंह केंद्र पर कभी कभी ही आता है और उसके यहां अपने कुछ गुर्गों को वसूली करने के लिए छोड़ रखा है। ये गुर्गे किसानों का इस कदर उत्पीड़न कर रहे हैं कि टोकन मिलने के कई दिनों तक उनकी तौल नहीं कराई जाती। कभी लेवर ना होने का बहाना किया जाता है तो कभी बारदाना ना होने की बात कहकर टकरा दिया जाता है, जबकि गेहूं माफियाओं और बिचौलियों द्वारा गेहूं खरीद बराबर चलती रहती है। मौके पर पहुंचे महिपाल सिंह एसडीएम बिसौली ने बताया कि नदारद मिले सचिव अनेकपाल सिंह को फोन करके अभिलेख लेकर ऑफिस पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। तौल करने पर अवैध वसूली की सूचना सही पाई गई है, अगर इसकी लिखित शिकायत आती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।